दीपिका की बड़ी मुश्किल, एनसीबी का कस्ता शिकंजा, ड्रग ग्रुप की एडमिन निकली दीपिका, एनसीबी के दीपिका से होंगे तीखे सवाल, क्या करेगी मुश्किल में फंसी दीपिका। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को लेकर फिर से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खबर ऐसी आ रही है कि दीपिका पादुकोण उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी जिस ग्रुप में ड्रग्स की मांग की जाती थी। खुद दीपिका ने साल 2017 में उस ग्रुप पर ही ड्रग्स की मांग की थी। बताया जा रहा है कि उस ग्रुप पर जया शाह और करिश्मा मौजूद थी। ऐसे में अब दीपिका की मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। बता दें कि दीपिका से शनिवार को एनसीबी पूछताछ कर सकती है। वहीं क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा से तो आज ही सवाल जवाब हुए हैं। लेकिन इसी बीच ये खबर आना कि दीपिका उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी जहां पर ड्रग्स की चर्चा होती थी, ये कई तरह के सवाल पैदा करता है। बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री ना सिर्फ इस विवाद में फंसती दिख रही है बल्कि उनका एक्टिव रोल भी सामने आ रहा है। ऐसे में एनसीबी भी अब दीपिका से कड़े सवाल जवाब पूछेगी। वैसे आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण से पहले शुक्रवार को ही पूछताछ होनी थी, लेकिन बाद में ये फैसला लिया गया कि उन्हें शनिवार को बुलाया जाएगा। शुक्रवार को सिर्फ रकुल प्रीत सिंह और करिश्मा से ही पूछताछ होगी। रकुल से काफी देर से पूछताछ जारी है, वहीं करिश्मा से भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। ऐसे में ना तो ये विवाद अभी थमने वाला है और ना ही बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों पर एनसीबी का शिकंजा। बताया ये भी जा रहा है कि दीपिका से एनसीबी कई तरह के सवाल पूछने वाली है। एक लिस्ट तैयार कर ली गई है और उसी के आधार पर उनसे सवाल किए जाएंगे। दीपिका के अलावा सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी एनसीबी पूछताछ करने जा रही है। उन्हें भी 26 तारीख का समन दिया गया है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।